एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रही है फुल स्टूडेंट्स? यस चलो, सो अभी हेडिंग डालिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एज आई टोल्ड यू, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा बेटा, हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को कुछ इस तरह से लिखा कि इट इज लाइक, मतलब हम लोगों ने लिखा एफिशिएंसी के बेसिस पे कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कॉम्पनसेशन। ऐसे बोल सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क विदाउट कॉम्पनसेशन। यानी आपने जब Q2 हीट एब्जॉर्ब की है टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर T2, उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो लोअर टेम्परेचर पे जाके सराउंडिंग को हीट रिलीज कर रहा था। क्लियर है बेटा? तो दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, अब आते हैं उसी को, जरा थोड़ा सा इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसमें हमारे पास ये था ना, ऐसा लिखा था हमने Q2 - Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू था T2 - T1 अपॉन T2। यही था। यहां से अगर इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 - Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 - T1 अपॉन T2। यहां से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, या फिर साइक्लिक प्रोसेस है तो हम लिखेंगे Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, या माइनस करके लिखते हैं, Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। साइक्लिक प्रोसेस के लिए यही तो है क्या? बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो Q1 अपॉन T1 निकल के आया ना, ये इस पे ध्यान दो, ये जो Q1 अपॉन T1 है इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 लिखा है, इसको हम लिखेंगे Q रिवर्सिबल अपॉन T। एक हमने क्वांटिटी डिफाइन कर दी थर्मोडाइनमिक के लिए, क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस था, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर टी। ये क्वांटिटी हमने, जहां पर क्यू रिवर्सिबल क्या है, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सचेंज इन अ प्रोसेस कैरीड आउट रिवर्सिबली एट टेम्परेचर टी। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब तुम ध्यान से देख रहे होगे, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी यू नो एक डेफिनेट क्वांटिटी है जिसको हम लोग स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा एस। तो ये जो मैथमेटिकल टर्म अपने को आया, एक क्वांटिटी आई क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, उसको हमने डेल्टा एस लिख दिया। क्या बात समझ में आई बेटा? अच्छा आपका जो कार्नोट साइकिल था, उसको अगर आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ से निकाल कर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी चेंज ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं बेटा, T1 टेम्परेचर, जैसे मान लो ये T2 टेम्परेचर ले लेते हैं, T2 टेम्परेचर पे आपने जो है एंट्रोपी, यहां पर समझ लो तुम्हारी हो गई Q2 अपॉन T2, राइट ना? और फिर T1 टेम्परेचर ये है, यहां पर ये Q1 अपॉन T1 हो गई। यही तो हो रहा है। क्या बात समझ में आई बेटा? यस
ये हमने इस तरह से ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। तो ये जो कार्नोट साइकिल हमने बनाया उसमें जैसे मान लीजिए कि आपने ए स्टेट में एस वन एंट्रोपी बोल दी, बी में एस टू बोल दी, सी में एस थ्री बोल दी, डी में एस फोर बोल दी, तो जो एस टू माइनस एस वन है वो एस थ्री माइनस एस फोर के बराबर आ गई। क्या बात समझ में आई? Yes, yes. ये दिखाना चाहते हैं हम लोग। नो डन। सर, टू मिनट। डन सर। अब देखो तुम इसको, ये तो मतलब आपने जो एक कार्नोट साइकिल बनाया, अब मान लीजिए कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, लेट अस से आप ए से बी में जा रहे हैं, है ना, और फिर बी से ए में आ रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस आपने ए से बी लिखा, ठीक है। अब ये जो ए से बी, जब आप बोलते हैं कि जो ए से बी हम मान लीजिए रिवर्सिबली प्रोसेस करा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस को, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल्स, ठीक है, सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल्स। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां पर गए, ठीक है, और फिर ऐसे दिखा दिया हमने, फिर यहां से आगे बढ़े और फिर हमने दिखा दे, ये मतलब इस तरह से करते 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 आपने इसको डिवाइड कर दिया सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल्स में, सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल्स में डिवाइड कर दिया। जब आप सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल में डिवाइड करेंगे तो हम एक सीरीज के, एक कार्नोट साइकिल के लिए हमने लिखा हुआ था बेटा क्यू वन अपॉन टी वन और इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन टी टू, राइट। हाँ, आप उसको माइनस, अगर आप बिकॉज हीट लॉस करके लिख दोगे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू वन अपॉन टी वन प्लस क्यू टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू जीरो। क्या बात समझ में? एक साइकिल के लिए Q1 हीट एब्जॉर्ब था और Q2 लेटेस्ट से लॉस्ट है, या उल्टा करके लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर T2 हाईर टेम्परेचर ले रहे हो तो Q2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, और T1 लोअर टेम्परेचर हो तो Q1 जो हीट लॉस्ट है एट लोअर टेम्परेचर T1। अब ये सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल्स में तुमने इसको डिवाइड कर दिया, तो तब भी हम लोग पूरे उसके लिए ये लिख सकते हैं समेशन Q by T is equal to zero। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सर नहीं समझा सर, ये वो प्लस साइन कैसे आया सर? कौन सा प्लस साइन? Q1 upon T1 plus Q2 upon T2 equal to zero कैसे आया? ये ना, अरे तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे ना हम लोग पहले, तो ये तो Q2 हीट लॉस्ट है ना। Q2 उस के टाइम पे जो Q2 लो रहे थे वो हीट एब्जॉर्ब थी हाईर टेम्परेचर, Q1 लॉस थे। तो जब तुम वैल्यू देखोगे तो अगर उसमें माइनस प्लस देखो तो एक प्लस है और दूसरा माइनस वाला है, ध्यान से देखो जा करके उसको। यस सर, समझ गए ना? तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया सो दैट मैं हर कार्नोट साइकिल के लिए, ए टू बी के बीच में मैंने कई सारी कार्नोट साइकिल्स बना लिए, और हर कार्नोट साइकिल के लिए हम वही चीज कर सकते हैं, राइट ना, ये वाला पार्ट। तो फिर ये हम लोग क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो लिख दे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये अब बेसिकली
पॉइंट ये है कि अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में डेल्टा एस को लिखना चाहें, बिकॉज हमने कई सारे कार्नोट साइकिल्स बना दिए, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो हम लिख देंगे डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसको लिख देंगे डी एस। क्या ये बात भी समझ में आ रही है? ये हाँ सर, ना, मतलब हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया उसको, ठीक है, यस ये हो गया। मतलब इट्स लाइक तुम ऐसे बोल दो कि भाई ये जो छोटी सी कार्नोट साइकिल आपने बनाई, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो ना कि मतलब इट्स लाइक अगर इसको ऐसा कर दो, डी क्यू अपॉन टी, या मतलब अगर मैं पूरे के उस पर भी ले जाऊं, इंटीग्रेट कर दूं, तो ज्यादा समझ में आएगा कि इट इज लाइक कि ए से बी मान लीजिए गए और फिर बी से ए आ गए, राइट ना? ये क्या बात समझ में आ रही है मेरी? यस राइट, ए से बी वाला जो डी क्यू अपॉन टी है और बी से ए वाला जो डी क्यू अपॉन टी है, इनका समेशन जीरो लिख सकते हैं हम लोग। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर, है ना, मतलब वो एक्चुअली सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल्स में दिखाना था। तो ये चीज हो गई। अब हम लोगों ने ये भी इस तरह से लिख दिया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्लियर है बेटा? हाँ सर, ये नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव केवल ये दिखाना है कि जो डी क्यू अपॉन टी है या इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी है, ये एक डेफिनेट क्वांटिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड फॉर द चेंज। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ऑब्जेक्टिव ये दिखाना था, ठीक है? यस इसको नोट कर लो बेटा। आप चाहो तो मैं एक छोटा सा नोट लिखा सकता हूं वो सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल्स के लिए। डू यू वॉन्ट? यस चलो लिखो बेटा। एनी साइक्लिक प्रोसेस इफ कैरीड आउट एनी साइक्लिक प्रोसेस इफ कैरीड आउट रिवर्सिबली कैन बी शोन टू कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कार्नोट साइकल्स, अ सीरीज ऑफ कार्नोट साइकल्स। ठीक है, अब ये जो मैंने तुमको बताया उसके लिए लिख लो बेटा। कंसीडर कंसीडर अ साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी एंड बैक टू स्टेट ए बैक टू स्टेट ए इज कैरीड आउट रिवर्सिबली। द पाथ ए बी ए द पाथ ए बी ए
इज कंसीडर्ड टू कंप्राइज ऑफ, इज कंसीडर्ड टू कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल कार्नोट साइकल्स। दैट मीन्स सीरीज ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस। देखो जैसे मान लीजिए कि मैंने एकदम छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर दिया इसको, तो इट इज लाइक कि आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां पर आ गए, ये आपके लिए एक साइकिल हो गया। इस तरह से आप दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से सीरीज ऑफ कार्नोट साइकिल्स आपने बना ली। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। ये हो गया, और इसके बेसिस पे हमने ये डिफाइन कर दिया। अब यहां पर लिखिएगा बेटा, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, ये बाकी कॉपी कर लिया ना सब कुछ? यस सर। हाँ, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस लाइक डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, लाइक डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इज अ डेफिनेट क्वांटिटी, इज अ डेफिनेट क्वांटिटी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल, ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और द मैनर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और द मैनर बाय विच The change has been brought about. The change will remain same. Whether the process is carried out, the change या the quantity delta S जिसको बोल रहे हो will remain the same whether the change is carried out from initial state to final state। हाँ, states वो नहीं होनी चाहिए बेटा। हाँ, reversibly change is carried out reversibly or irreversibly। whether the change is carried out reversibly or irreversibly, अगर initial और final states तुमने same कर दी तो delta s is going to be the same। क्या बात समझ में आई? Yes sir। but for calculation of delta S, for calculation of delta S, we need to know Q reversible. We need to know Q reversible. ये ध्यान देना बेटा। तो हम लोग जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें उसको उन्हीं इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को जब रिवर्सिबल वे में ले जाएंगे तो जो हीट एक्सचेंज होगा उसको यूज कर लेंगे रादर देन इरिवर्सिबल। क्या बात समझ में आई? Yes, sir।
अब ये इसका यूनिट भी देख लो बेटा, यूनिट क्या होगा, हीट का यूनिट जूल लिख सकते हो, तो जूल पर केल्विन लिख सकते हो, ये यूनिट हो गया बेटा, यूनिट भी लिख लो, जूल पर केल्विन। ये भी लिख लिया? हाँ, अब इसमें यूनिट भी हो गया, और ये भी लिख लो बेटा कि जो एंट्रोपी है दैट इज एक्चुअली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट, देखो मैं बताता रहा हूं, ये हो सकता कोई आसान सा क्वेश्चन आ जाए और आप छोड़ दें तो गलती हो जाएगी। जो एंट्रोपी की बात की हमने, वो स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और खास बात ये है कि आगे चल के हम अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अगर तुम पहले लेक्चर के नोट्स देखो, उसमें देखो थर्ड लॉ के बारे में क्या लिखाया था मैंने, जाकर नोट्स चेक करो, रिलेट करो नोट्स को कि मैंने कहां से कहां पर मतलब आपको लेकर आया हूं। अभी देखो बेटा मिला क्या लिखा है। हाँ, तो आप सोचिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प लेकर के हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालेंगे उसकी, एंट्रोपी की। क्लियर है? अभी तो हम केवल एंट्रोपी चेंज की बातें कर रहे हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो ये हो गया, हमने ये भी कर लिया, ठीक है। अब आगे एक हेडिंग डालिएगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ एन आइडियल गैस विथ चेंज इन पी वी एंड टी, वेरिएबल्स रख रहे हैं बेटा, लिख लिया बेटा हेडिंग। इसमें एक नोट लिखिएगा, सिंस एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, सिंस एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम वेरीज विद, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम वेरीज विद द स्टेट ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी वेरीज विद द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट्स वैल्यू फॉर अ प्योर गैसियस सब्सटेंस, इट्स वैल्यू फॉर अ प्योर गैसियस सिस्टम विल डिपेंड अपॉन, विल डिपेंड अपॉन एनी टू ऑफ द थ्री, एनी टू ऑफ द थ्री वेरिएबल्स P, V and T. इसमें आगे लिख देना, सिंस टी इज टेकन, सिंस टी इज टेकन जनरली एज वन ऑफ द वेरिएबल्स, एज one of the variables, the second variable to be considered may be V or P.
लिख लिया बेटा। यस सर। अब तुम इसको ऐसे देखो, पहले काम करते हैं टी एंड वी वेरिएबल लेते हैं। हाँ, पहला लिखते हैं टी एंड वी वेरिएबल्स की बात करते हैं, इसके टर्म्स में निकालते। तो अपने को ये मालूम ही है बेटा कि डीएस हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, राइट है बेटा? यस कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ नहीं। अब ये जो डी क्यू रिवर्सिबल है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, डी यू माइनस डी डब्ल्यू। क्या बात समझ में आई? सर ये हो गया। अच्छा, डी डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा और डी यू क्या लिख सकते हैं? इसको लिख देंगे एंड सी वी डी टी और इसको लिख देंगे माइनस पी डी वी। क्या बात समझ में आई? देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना बेटा। हमने यहां पर वन मोल ले लिया है, ये दिमाग में रखना। अच्छा, अगर मैं सबको टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं, टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू सी वी सर अपॉन टी। क्या बात समझ में आई? यस देख लो। और क्या तुम पी अपॉन टी को आर और वी के टर्म्स में लिख सकते हो? सर क्या लिख सकते हैं? आर बाय यस क्या बात समझ में आई? नंबर सर ऑफ मोल्स तो वन है ना। सर अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हिस्सा तो डेल्टा एस बन जाएगा। ध्यान से देखना, डेल्टा एस उधर की चीजें देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल सी वी बाई टी डी टी प्लस आर बाई वी डी वी टी वन से टी टू, टी वन से टी सॉरी वी वन से वी टू वेरिएबल आपने। क्या बात समझ में आई बेटा? डेल्टा तो बताइए डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बन के निकलेगा? हाँ, यहां लिख सकते हैं हम लोग सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर, और ये हो जाएगा एल एन वी टू बाई वी वन। क्या सही है? क्या चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ी हो तो बता देना। नो इसमें अगर तुम एन मोल्स के लिए लिखोगे, एन मोल्स के लिए, ये तो वन मोल के लिए किया था ना हमने, अगर गड़बड़ एन मोल्स के लिए करोगे तो चेंज कहाँ आएगा बेटा? खाली एन से ही मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये हो जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एन या एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। किसी को कोई डिफिकल्टी? सर ये हो गया। इससे भी ज्यादा अच्छा मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, स्पेस इधर है मेरे पास, यहां पर लिख रहा हूं, इससे भी अच्छा आप लिख सकते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग बेस 10 टी टू बाई टी वन प्लस 2.303। 2.303 क्यों लिख रहे हैं? लॉक हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आप ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज करोगे सॉल्विंग पर्पस के लिए, ठीक है? ज्यादातर एग्जाम्स में, एडवांस एग्जाम में वो लॉग या एलएन की वैल्यू देगा। अगर एलएन की वैल्यू देगा तो पहला वाला यूज करना, लॉग की वैल्यू देगा बेस 10 तो दूसरा वाला यूज करना, ठीक है? लॉक सर सर सर
ठीक और डॉट हो गया। चलो तो आप दूसरा लिखिएगा बेटा इसमें, व्हेन टी एंड पी आर टू वेरिएबल्स, व्हेन टी एंड पी आर टू वेरिएबल्स। देखो टी तो रखना ही है आपको, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, ये दूसरा केस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कुछ करने के बजाय देखो हम लोग क्या स्मार्टली काम करते हैं, ये सब हटा देता हूं मैं आपको। हाँ अब ये बताइए बेटा, P1V1 इज इक्वल टू NRT1 एंड P2V2 इज इक्वल टू NRT2 लिख सकते हैं, बिकॉज यहां पर V2/V1 एक टर्म आ रहा है जिसको हमको हटा देना है, बिकॉज अब वेरिएबल P लिखना है। तो ये हो जाएगा V2/V1 हो जाएगा T2/T1 और इधर P1/P2, सही है क्या, चेक कर लो, सही है। हाँ आप जरा इसको सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, जो तुम्हारे पास इक्वेशन है नीचे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा NCV ln T2/T1 प्लस NR ln T2/T1, और ये हो जाएगा प्लस NR ln P1/P2। क्या ये सही है, चेक कर लो बेटा। अच्छा इसको अगर हम लोग, बिकॉज हमको एक जैसे टर्म्स लिखने हैं, तो दूसरा वाला है उसको अगर आप P2/P1 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, मानते हो कि नहीं। तो ये हो जाएगा NCV ln T2/T1। अच्छा इसमें हम लोग एन कॉमन ले सकते हैं ना, NCV प्लस हो जाएगा NR
एलेन टी टू बाई टी वन मानते हो बेटा, प्लस एन आर एलेन पी वन बाई पी टू, ऐसा करके लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, सी वी प्लस आर क्या होता है? सीपी। तो ये हमारा नया एक्सप्रेशन आ गया, ध्यान से देखो, ये हमारा नया एक्सप्रेशन आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एन मोल्स के लिए एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। तो यहां पर भी चेंजेस कर दो बेटा, केवल यहां सी वी के बदले सी पी कर दो और ये कर दो पी वन अपॉन पी टू, वी टू अपॉन वी वन के बदले क्या कर दोगे पी वन बाई पी टू। क्या बात समझ में आई? ये भी लिख लो बेटा, इससे भी क्लियरली पता चल रहा है कि जो तुम्हारा डेल्टा एस है एंट्रोपी चेंज है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो पी वन पी टू आ रहा है, वहां वी टू वी वन आ रहा था, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है, कैसे प्रोसेस कराया गया है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी को भी कोई डिफिकल्टी हो बेटा ये एक्सप्रेशंस निकालने में तो प्लीज लेट मी नो। देखो ये जनरल मैनर में तुमने एक्सप्रेशंस निकाल लिए, अब तुम्हारे लिए कितना आसान है, जो भी प्रोसेस दिया होगा उसके हिसाब से यहाँ चेंजेस कर लेंगे, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हटा दें बेटा, यस यस बोला ना, हाँ। तो अगला तुम ये हेडिंग डाल देना, पहले तो ये एंट्रोपी चेंजेस ऑफ एन आइडियल गैस इन डिफरेंट प्रोसेसेस। शुरू करें, चलो। सो वही प्रोसेसेस है बेटा जो हम पहले करते आए हैं। लिखोगे सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आप देखो मैजिकल चीज, वो जो तुमने अभी अभी इक्वेशंस डिराइव की, रिलेशंस डिराइव किए, उसको पकड़ो और उसमें टी वन इक्वल टू टी टू लिख दो। जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हें इमीडिएट आंसर आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू
एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर इसको लिखोगे एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो no. बड़ा बड़ा आंसर आता है। अब तुम इसमें कुछ कंक्लूजन्स भी लिख सकते हो बेटा आइसोथर्मल केसेस में। तो अगर मान लीजिए एक्सपेंशन हो रहा है तो यानी वी टू ग्रेटर देन वी वन होगा, तो बताओ एंट्रोपी चेंज जो जो सिस्टम की होगी वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। यानी कि इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस इंक्रीजेस, ये कंक्लूजन लिख सकते हो कि इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये हमने मैथमेटिकली निकाल रहे हैं, हम कोई इमोशनल होकर नहीं बोल रहे हैं, हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और इसका उल्टा कर दो, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा बेटा? एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। वो हम लोगों ने कार्नोट साइकिल जो अभी बनाई थी उसमें भी देखा है। अब तुम पूरे लेक्चर को एक बार और पूरा एक बार पढ़ना, रीड करना, जो भी तुमने लिखा हुआ है तुम अब सब रिलेट करते चले आओगे स्टार्टिंग फ्रॉम कार्नोट साइकिल। ठीक है, चलो नंबर टू लिखो बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा पेशेंस रखना, सब बहुत आसान है। आइसोबैरिक प्रोसेस, अब मैं अगर ये सब फॉर्मूला मैं ऐसे ही दे देता, बुक्स में ज्यादातर बस ऐसे ही लिखी हुई है बेटा, हमने पूरा सीक्वेंस से चीजें की हुई हैं, तो तुम फ्यूचर में भी जब रिवाइज करोगे इट विल बी इजी फॉर यू कि आप सबको एक साथ उसको रिलेट कर पाओ। इसमें क्या करोगे बेटा, पी वन पी टू इक्वल कर दो, क्या बचेगा? जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन निकाला था उसमें पी वन पी टू था ना, एन सी पी एल एन, यही था ना? बस हो गया। अब यहां हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, दैट्स इट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीजेस ऑफ एन आइडियल गैस। हो गया बेटा, यस सर। थर्ड लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस। आप बताइए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे, कौन सा रिलेशन यूज करोगे जिसमें वी वन वी टू था? इसके लिए बताइए डेल्टा एस क्या हो जाएगा? एनसीपी लॉन वी टू बाय टी, दैट्स इट। हाँ, लॉग बेस 10 दिया हो तो 2.303 भी डाल देना। हो गया। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या करोगे? एडियाबेटिक प्रोसेस उसमें सिस्टम का क्या हो रहा है बेटा? ये तो बहुत ही आसान है। अरे भाई क्यू रिवर्सिबली जीरो हो गया तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो।
डन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली कर पाओगे क्वेश्चंस को। आप पहले समझना बेटा प्रोसेस क्या दिया है। आप जनरल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो या फिर वो पर्टिकुलर केस यूज कर सकते हो। लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी एकम्पनिंग द हीटिंग। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, ब्रैकेट में लिख दो एज्यूम्ड आइडियल। अच्छा, ना भी दिया होता तो हमको यही करना पड़ता, हमें जो आता है हम वही करेंगे। एज्यूम्ड आइडियल फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन टू अ टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन, 298 केल्विन टू 1000 केल्विन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। चलो फटाफट आंसर सोचो बेटा। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सॉरी मैंने क्या बोला, कॉन्स्टेंट प्रेशर। आई एम एक्सट्रीम सॉरी बेटा, कॉन्स्टेंट प्रेशर लिखना। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कैसे हो सकता, वो तो खुद ही चेंज कर रहे हैं। सबने सही से लिख लिया ना क्वेश्चन? वो कोई LN 3.355 का वैल्यू लिख लेना बड़ा, 1.21। हाँ तुम लोगों ने पहले ही निकाल लिया क्या? सर, ओके हीलियम बेटा किस टाइप की गैस है? मोनेटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक। सर, तो उसके लिए सीवी का वैल्यू क्या लिख सकते हो? इसकी 25.2 जरूरत पड़ेगी। ओ, 25.2 टन या किलोमीटर? जूल पर केल्विन। वेरी गुड, जूल पर केल्विन पर मोल बोलो, क्योंकि तुमने नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं? वन। समझ गए ना बेटा? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखिएगा, तो
वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस ब्रैकेट में लिखना मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, तुम लोग समझ सकते हो ये क्यों दिया गया है, इज हीटेड फ्रॉम 100 केल्विन टू 300 केल्विन, फ्रॉम 100 केल्विन टू 300 केल्विन, कैलकुलेट डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी चेंज इफ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, गेट द आंसर बेटा, एल एन थ्री की वैल्यू लिख लेना बेटा 1.0986, चलो अब कितना आंसर आया बेटा ये बताओ पहले, 13.6 जूल पर केल्विन पर मोल, तुम शायद भूल गए दो क्वेश्चन दिए थे मैंने, बस बस बिल्कुल सही, तुम लोगों ने दिल जीत लिया, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, बोला जाए, चलो लिखो बेटा, वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एक्सपैंड्स, एक्सपैंड्स रिवर्सिबली, रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर 298 केल्विन, टू अ वॉल्यूम ऑफ 20 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 20 डेसीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर 250 केल्विन, टेम्परेचर 250 केल्विन, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस,
किसी लॉक की वैल्यू तो नहीं चाहिए बेटा, एलएन की वैल्यू? जीरो पॉइंट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो लॉक की वैल्यूज देखने के लिए। हाँ हाँ, 3.73 जूल पर केल्विन पर मोल। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। इसी क्वेश्चन में ऐड कर लो बेटा, इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली देन व्हाट विल बी डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस। जीरो जीरो तुम लोग तो बड़े जल्दी आंसर दे रहे हो, क्या तुम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो? चलो ठीक है। सब कुछ चीजें समझ में आई है, हो रही है क्वेश्चंस बेटा। यस ऐसा तो सर। नहीं तुम दो चार लोगों की वजह से वहां पर बाकी लोग यस यस बोल रहे हो। नो सर, बिल्कुल नहीं सर। चलो ठीक है। हम लोगों ने एक बड़ा पार्ट ये फिनिश किया एंट्रोपी चेंज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा, एक तो एंट्रोपी चेंजेस मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करेंगे, ठीक है? फिर मिक्सिंग में जो एंट्रोपी चेंज होती है, एंट्रोपीज जो मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करेंगे, फिर मिक्सिंग में जो एंट्रोपी चेंज होती है उसको निकालेंगे, फिर फिजिकल चेंजेस जब होंगे, ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंजेस होंगे जैसे कि मेल्टिंग हो गया या फिर कंडेंसेशन या वेपराइजेशन, उनमें हम लोग एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे, ठीक है? और फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे एंट्रोपी का, एक्चुअल मीनिंग भी समझेंगे एंट्रोपी का कि हम उसको कैसे विजुलाइज करें। अभी तो हमने मैथमेटिकली केवल सीखा है, ठीक है? चलो, तो तब तक तुम लोग रेस्ट करो।